नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद शुभम पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आ चुकी नई सीधी भर्ती 2021 के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस भर्ती में आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा और आप सभी के लिए ग्रुप डी की पोस्टों पर भर्तियाँ आ चुकी हैं, यानी कि यहाँ पे आप सभी का कोई भी रिटर्न एग्जाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, सीधी भर्ती है। आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। ऑफलाइन आप लोग फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसके बारे में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर परमानेंट सरकारी नौकरी करने का एक अच्छी सी पोस्ट पर, तो आप लोग आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखेगा। आगे इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे, फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, कैसे आवेदन करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को ही डाउनलोड कर लेते हैं। अभी आप लोग यहां पे देख पाएंगे कि मैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहीं से हमको नोटिफिकेशन मिलेगा और आवेदन करने का फॉर्म भी यहीं से मिलने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें कि रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा, यहाँ से आप लोग सारी की सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें अभी के अभी, और आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से है। और रोजगार यहाँ पर आपको जो है तो PTS FTS सफाई कर्मी की पोस्टें मिलेंगी और यहां पे 18 से लेकर 29 साल तक की उम्र है। और शैक्षिक योग्यता अगर आप लोग देखेंगे तो अधिकतम 10वीं पास होना चाहिए और इसके अलावा कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है, यानी कि अगर आप लोग 10वीं पास हैं तो भी ठीक है, अनपढ़ भी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया कि अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको आवेदन करने का फॉर्म दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले नवीन रंगीन फोटो लगानी होगी स्व हस्ताक्षर यानी कि खुद के सिग्नेचर के साथ। इसके बाद अभ्यर्थी का पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा हिंदी और इंग्लिश में। आपको जन्मतिथि लिखना होगा, प्रमाण पत्र सहित कितने साल के कितने महीने कितने दिन के हो गए, मोबाइल नंबर अपना डालना होगा। यहाँ पे आपको मेल एंड फीमेल कैटेगरी बतानी होगी। इसके बाद यहाँ पे पिता पति का नाम, अगर आप लोगों जो है तो मेल कैंडिडेट हैं तो आप लोग पिता का नाम लिखेंगे और फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट हैं तो पति का नाम। इसके बाद स्थायी पता यहाँ पे आपको लिखना होगा और शैक्षिक योग्यता में से आप लोग यहाँ पे चुन सकते हैं क्या योग्यता आपके पास है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी है, जैसे कि साक्षर, इसके बाद साक्षर, इसके बाद यहाँ पे असाक्षर, पैन कार्ड यदि हो तो आप लोग नंबर डाल सकते हैं, अपनी कैटेगरी बतानी होगी अजा अजजा OBC EWS OH कुछ भी, और आधार कार्ड और पिछली सेवा अगर कोई है तो विवरण देंगे, और रोजगार कार्यालय यहाँ पे कुछ पंजीकरण जो संख्या है वो देना होगा यदि हो तो। इसके बाद इसको कहाँ पे भेजना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, आधार कार्ड, शैक्षिक योग्यता, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और यदि आधार कार्ड है तो उसको भी मेंशन करना है। और इसकी डेट आपको बता दें कि 31/3/2021 से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि आपको 15/4/2021 के शाम के 5 बजे तक यानी कि 15 अप्रैल 2021 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब ये तो हो गई शॉर्ट नोटिफिकेशन की बात, फॉरम की बात, फुल नोटिफिकेशन आगे ओपन करेंगे तो आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, PNB बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से सीधी भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया, जहां पर अगर आप लोग 10वीं पास हैं या फिर अनपढ़ भी हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। वेतन आपको 28,145 रुपये तक मिलेगा, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया, आपको आगे दिखा दिया जाएगा। इसके बाद ऑल इंडिया जॉब है और यहां पर मेल एंड फीमेल दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म फीस बिल्कुल भी नहीं लगेगी, यहां पे आपको नोटिफिकेशन के अंदर भी बताया गया कि आप लोग बिल्कुल फ्री में आवेदन कर सकते हैं। एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियोज़ के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को ध्यान से ऑन करना बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए अब ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद देख पाएंगे PNB बैंक स्वीपर पोस्ट ऑफलाइन फॉरम है 2021 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग SPGyan.com पे भी जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ से वैकेंसी डिटेल है,
जहां पर वेरियस पोस्ट हैं और पोस्ट आपको स्वीपर की देखने को मिलेगी। आप लोग 31 मार्च 2021 से लेकर 15 अप्रैल 2021 तक आवेदन कर पाएंगे और आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 29 साल तक होनी चाहिए रिलैक्सेशन के साथ। इसके बाद अप्लीकेशन फीस की बात करें तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो, आपका कोई भी अप्लीकेशन शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके बाद टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे हैं तो क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है जो कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक रहेगा और कौन कौन से राज्यों से अप्लाई कर पाएंगे तो आप लोग लिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आपका वेतन है जो कि यहाँ पे नॉर्मली 14,500 रुपये से लेकर 28,145 रुपये का रखा गया है। और इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जहाँ पर केवल और केवल 10वीं पास होंगे तो आवेदन कर पाएंगे। देन इसके बाद कैसे आवेदन करेंगे तो आपको 15 अप्रैल 2021 तक ऑफलाइन फॉर्म को भरना होगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में नोटिफिकेशन में चेकआउट करेंगे। इसके बाद हम लोग spgyan.com की वेबसाइट पे चलेंगे जहाँ से हम लोगों को फॉर्म को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ से लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में इस वैकेंसी के बारे में पूरी की पूरी और भी डिटेल में जानकारी मिलेंगी। तो जैसे आप लोग इस पेज पे आएंगे, PNB पंजाब नेशनल बैंक रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में बहुत सारी बेसिक से लेकर अपर लेवल की जानकारी दी गई है। अब आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं और अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इम्पोर्टेंट लिंक के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई का और ऑफलाइन अप्लाई का, नोटिफिकेशन का और वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको जस्ट क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। इसके बाद ये आपसे ऑप्शन लेगा कि कहाँ से आप लोग ओपन करना चाहते हैं, तो आपको जस्ट यहाँ पे क्रोम से इसको ओपन कर देना है और ओपन करने के बाद आप लोग जो है तो इसमें चेकआउट कर पाएंगे। आपका जो फॉर्म है वो जल्दी ही ओपन हो जाएगा यहाँ से और आपको इसको निकलवा लेना है किसी भी ऑनलाइन सेंटर में जाके और इसको फिल करना होगा। और यहाँ से इसको जूम करके देखेंगे, यहाँ पे जो मैं आपको सैलरी बता रहा था आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 14,500 रुपये से 28,145 रुपये यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसके बाद समस्त जो छूट मिला के 45 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए यहाँ पे बताया गया है और टोटल यहाँ पे 35 पदों पर भर्तियाँ आ चुकी हैं और इसके बाद यहाँ से फॉर्म को आपको फिल करना होगा। तो फॉर्म फिल करके मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है तो इसमें अभी आवेदन करने में काफ़ी टाइम है, आप लोग आराम से इसको डाउनलोड करिए और इसमें आवेदन करिए। आवेदन करना काफ़ी ईजी होगा और इसी के साथ यहाँ से फॉर्म आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। अगर ये वैकेंसी आपको पसंद ना आई हो तो कोई दूसरी वैकेंसी भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपको यहाँ पे मेन्यू के सेक्शन पे क्लिक करके लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको और भी कई सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। जैसे PNB की तरफ से आज की रिक्रूटमेंट है और UP पुलिस के अंदर 9,534 SI सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्तियाँ आ चुकी हैं। इसके बाद यहाँ से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है, इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे रेलवे की तरफ से 2600 पदों पर भर्तियाँ चल रही हैं तो इनको भी चेकआउट करिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।